Welcome students, today we are going to discuss a very interesting and short and important topic. What is the topic? Construction and standardization of achievement test. यानि कि हम एक निष्पत्ति परीक्षण का निर्माण कैसे करेंगे और उसका मानकीकरण कैसे करेंगे, ठीक है? तो कुछ स्टेप्स हैं, बस उनको ध्यान में रखना है और उन स्टेप्स के बारे में जानना है तो इस सवाल का उत्तर हमको मिल जाएगा. क्या है कि फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन बाय द इन्वेस्टिगेटर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एनी अचीवमेंट टेस्ट. यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर है, जो परीक्षण का निर्माण करना चाहता है, उसको कुछ चरणों से गुजरना होगा, कुछ चरणों का ध्यान रखना होगा तो वो एक निष्पत्ति परीक्षण का निर्माण कर सकेगा. सबसे पहले क्या? प्लानिंग द टेस्ट. सबसे पहले हम योजना बनाएंगे टेस्ट की, फिर प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट. सबसे पहले तो योजना बननी पड़ेगी ना कि क्या परीक्षण है, क्या नापने जा रहे हैं, किसके ऊपर एडमिनिस्टर करना है, सैंपल क्या होगा, स्कोरिंग व्हाटएवर सब प्लानिंग में आ जाएगा. फिर प्रिपरेशन, फिर हम एक्चुअली उसको बनाएंगे. फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट, यानी कि हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे किसके ऊपर, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए हमने उसका निर्माण किया है. फिर हम करते हैं क्या? आइटम एनालिसिस, है ना. एकांश विश्लेषण बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि जो एकांश, जो आइटम्स ठीक नहीं है, जिनकी डिफिकल्टी लेवल या तो बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, जो डिस्क्रिमिनेटरी पावर नहीं रखते हैं अपने साथ, जो पुअरली वर्डेड है, यानी कि उनमें शब्दों का चयन ठीक तरह से नहीं हुआ है, वो एम्बिगुअस है, मतलब वो क्लियर मीनिंग नहीं देते, हर व्यक्ति उसको अपने अर्थ में अलग मीनिंग उसकी निकाल सकता है, ऐसे सारे आइटम्स को एनालिसिस करने के बाद हम अपने फाइनल जो हमारा शेप आएगा टेस्ट का, उसमें से निकाल देंगे और सिर्फ वो जो इन पैमानों पे खड़े उतरेंगे उसी को हम अपने टेस्ट में रखेंगे. फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टेस्ट. स्टैंडर्डाइजेशन हमको करना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसकी रिलायबिलिटी निकालनी पड़ेगी, सेट करनी पड़ेगी और वैलिडिटी सेट करनी पड़ेगी. तो रिलायबिलिटी हम लोगों ने अभी जाना है, पिछले बार में कई बार हम जान चुके हैं रिलायबिलिटी के बारे में कि हम रिलायबिलिटी कई तरह से निकाल सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, टेस्ट रीटेस्ट, स्प्लिट हाफ, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं. वैलिडिटी भी हम लोगों ने पढ़ा है, फिर से पढ़ लेंगे एक बार. तो वैलिडिटी भी एस्टैब्लिश करनी है, यानी कि वो परीक्षण विश्वसनीय भी होना चाहिए. यानी कि ये वो परीक्षण अगर एक ग्रुप पर एक बार अप्लाई किया गया है और थोड़े समय बाद फिर उसी ग्रुप पर अप्लाई करते हैं तो वो लगभग सिमिलर स्कोर हमको मिलना चाहिए, तब तो हमारा परीक्षण विश्वसनीय होगा. और वैध, सभी लोग जानते हैं वैधता का क्या मतलब होता है, कि परीक्षण जिस भी कंस्ट्रक्ट को नापने के लिए बनाया गया है वो उसी कंस्ट्रक्ट को नापे, कुछ और हमको मेजर करके ना दे, तब तो वो क्या हो जाएगा? वैलिड. ओके, तो सबसे पहले देखें प्लानिंग ऑफ द टेस्ट में क्या है. प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, प्लानिंग ऑफ द टेस्ट में क्या है? फर्स्ट एंड फोरमोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एनी एक्टिविटी. यहां सिर्फ प्लानिंग की बात की जा रही है कि कोई भी एक्टिविटी हमको करनी है, कोई भी, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? एक प्लान बनाना पड़ता है. तो हम क्या क्या करेंगे प्लानिंग में, देखिए क्या है. केयरफुल प्लानिंग ऑफ द अचीवमेंट टेस्ट वॉज डन. कैसे डन करेंगे, कैसे करेंगे? व्हाइल डिसाइडिंग द सैंपल फॉर विच अचीवमेंट टेस्ट वॉज टू बी मेड. सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि कौन सा वो सैंपल है जिसके लिए हमने उसको बनाना है. फिर कंटेंट, विषय वस्तु क्या रखी जाएगी उसकी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टेस्ट क्या है, हम चाहते क्या है, परीक्षणकर्ता का उद्देश्य क्या है कि वो उस परीक्षण से क्या जानना चाहता है. ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट, कितनी अवधि का परीक्षण होगा, एक घंटे का, आधे घंटे का, 40 मिनट का, क्या है. डिफिकल्टी ऑफ द टेस्ट, हम कितना उसका परीक्षण का कठिनाई स्तर रखना चाहते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजर, मतलब कि कैसे उसको एडमिनिस्टर करना है, उसके इंस्ट्रक्शंस सेट करने पड़ते हैं ताकि हर व्यक्ति उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को देख के इसको एडमिनिस्टर करे. यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए. फिर प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, यानी कि हम पूरा टेस्ट बनाएंगे, पूरा उसका इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, सारे उसमें आइटम्स रखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, सब कुछ कर देंगे तो एक ब्लूप्रिंट हमको पहले बनाना पड़ेगा. और स्कोरिंग कैसे की जाएगी, एक सवाल सही है तो उसका, उसके लिए एक अंक है कि दो अंक निर्धारित है, और नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, ये सारी चीजें स्कोरिंग में आ जाती है. तो ये सब कुछ हमको प्लानिंग के लेवल पर ही कर लेना है, ठीक है. अच्छा, हमने कर लिया प्लानिंग, अब क्या करें? प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट. तो प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट में कैसे होता है भाई? अब हमको, मतलब हमने प्लान कर लिया ना कि इंस्ट्रक्शंस ये हैं,
स्कोरिंग का ये हम फॉर्मूला रख रहे हैं, सैंपल हमको ये रखना है, सब कर लिया। तो जब एक्चुअली टेस्ट का प्रिपरेशन क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द अचीवमेंट टेस्ट नीड्स डिलीजेंट एंड इंटेलिजेंट वर्किंग, इट इंक्लूड्स मेनली 3 steps। तीन चरण हमको इसमें खास ध्यान रखने हैं। क्या? आइटम राइटिंग। सबसे पहले तो हम आइटम्स बनाएंगे ना कि ये आइटम हमारे टेस्ट में रहेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, चेकिंग बाय एक्सपर्ट्स। हम उसके एक्सपर्ट्स से चेकिंग कराएंगे कि जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, तो हम उसको एक रफ, जैसे बोलते हैं ना, फेस वैलिडिटी उसकी निर्धारित करेंगे कि सिर्फ एक्सपर्ट्स हमको देख कर बता दें कि आइटम एनालिसिस तो बाद में आएगा, लेकिन यहाँ पर एक चेकिंग बाई एक्सपर्ट्स में कई सारी चीजें जो एक्सपर्ट्स हमको सिर्फ देख कर बता सकते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसकी भाषा ठीक नहीं है, या ये इस कंस्ट्रक्ट को नहीं नाप रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाएंगी। और फिर आइटम एडिटिंग, मतलब जो एक्सपर्ट्स ने चेक करके हमको बताया कि ये चीजें बेकार है, हमको नहीं रखनी है अपने टेस्ट में, उन सबको हम निकाल कर आइटम की एडिटिंग कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट। है ना, अब हमने प्लान भी कर लिया, हमने एक ब्लूप्रिंट बना लिया, हमने आइटम्स भी बना लिए, उसको हमने एक्सपर्ट्स को दिखा भी दिया, एक्सपर्ट्स ने देखने के बाद उसमें से खराब चीजें निकाल भी दी, हमारा एक इस तरीके की दशा में टेस्ट आ गया है कि हम उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी तीन चरण होते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल ट्राई आउट, यानी कि हम एक किसी जो भी हमारा सैंपल की कंडीशंस फुलफिल कर रहा हो, ऐसे किसी एक सब्जेक्ट पर हम उसको ट्राई करेंगे। अगर वहां पे हमको चीजें सही निकल कर आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हमें लग रहा है कि नहीं ठीक ठाक हमारा टेस्ट बन गया है, तब हम स्मॉल ग्रुप ट्राई आउट करेंगे। मतलब अभी भी हम ग्रुप छोटा रखेंगे, लेकिन एक से ज्यादा 10-15-20 बच्चों में, विषयों में, सब्जेक्ट्स में हम उसको ट्राई आउट करेंगे। और यहां पर भी अगर चीजें सही निकल कर आती हैं, तब हमारा फाइनल ट्राई आउट ऑफ द टेस्ट होता है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन पे भी आपको तीन चरणों से गुजरना होगा। और ये लिखने में तीन बातें लिख रही हैं, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्यों? पहले आप एक पर करेंगे, फिर उसकी स्कोरिंग करेंगे, पूरा उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, सब कुछ करेंगे जैसे एक्चुअली करते हैं, फिर स्मॉल ग्रुप करेंगे, फिर फाइनल ट्राई आउट करेंगे। मतलब इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, है ना, यहाँ देखने से लग रहा है छोटा सा। फिर उसके बाद हमने जब फाइनल ट्राई आउट भी कर लिया, तब हम क्या करते हैं, फाइनल ट्राई आउट करने के बाद हम करते हैं आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस हम लोग जानते हैं, बस इतना सा आप जान लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा आइटम एनालिसिस क्या है। क्या है? स्कोरिंग होगी, स्कोरिंग वॉज फॉलोड बाई आइटम एनालिसिस। क्या है आइटम एनालिसिस? इट इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। सबसे पहले तो ये एक हमारी सांख्यिकीय प्रविधि है। क्यों सांख्यिकी? क्योंकि इसमें हम सांख्यिकी के एक सूत्र लगा रहे हैं, गणनाएं कर रहे हैं। विच इज यूज फॉर, क्यों इस्तेमाल की जाती है, सेलेक्टिंग एंड रिजेक्टिंग द आइटम्स ऑफ ए टेस्ट। यानी कि हमको सिर्फ आइटम को रिजेक्ट नहीं करना है जो उस पैमाने पर खरा नहीं उतर रहा है, जो उस पैमाने पर खरा उतर रहा है उसको सेलेक्ट भी करना है। तो सेलेक्टिंग एंड रिजेक्टिंग द आइटम्स ऑफ ए टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफिकल्टी वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू, यानी उनके विभेदीकरण मूल्य और उनकी कठिनाई स्तर के मूल्य के आधार पर, अंकों के आधार पर हम ये चयन करेंगे कि हमको सेलेक्ट करना है वो आइटम अपने में या रिजेक्ट कर देना है। क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? इट वॉज डन, ये किया जाता है टू रिटेन, ताकि हम रख सकें, किसको रख सकें, बेस्ट आइटम्स, जो सबसे बढ़िया आइटम हमने बनाए हैं उनको अपने परीक्षण में रख सकें इन द टेस्ट, एंड रिमूव द इनएप्रोप्रिएट वन। और जो इनएप्रोप्रिएट है, जो उपयुक्त नहीं है, जो सही नहीं, सटीक नहीं बैठ रहा है हमारे पैमाने पर, उसको हम निकाल सकें, इसलिए हम आइटम एनालिसिस करते हैं। ठीक, अच्छा, अब रिलायबिलिटी हम सेट करने जा रहे हैं। रिलायबिलिटी के पहले तो सिर्फ जान लीजिए रिलायबिलिटी क्या है, कि इट रिफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, हम सब जान चुके हैं ये चीज, ऑब्टेन्ड बाय द सेम इंडिविजुअल व्हेन रीएग्जामिन्ड विद द सेम टेस्ट ऑन डिफरेंट ओकेजंस। देखिए सब कुछ लिख दिया इसमें, समझने की कोशिश की, डिफरेंट ओकेजंस और विद डिफरेंट सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट आइटम्स और अंडर द वैल्यूएबल एग्जामिनिंग कंडीशंस। देखिए एन एनस्तासी की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बहुत फेमस किताब है, बहुत पॉपुलर है, बहुत चलती है, और सब कुछ इन्होंने लिख दिया इसमें। देखिए कह रही हैं क्या, कि इट रिफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, यानी स्कोर्स हमारे कंसिस्टेंट बने रहेंगे। कब? ऑब्टेन बाय द सेम इंडिविजुअल, उसी व्यक्ति के। कब? When re-examined, जब हम उसको दोबारा परीक्षित करेंगे, with the same test, उसी परीक्षण के साथ, on different occasions, different occasion पे। तो ये कौन सी होगी? Test, retest हो गई, या with different sets of equivalent items, तो ये कौन सी हो गई? Alternate forms हो गई, और under the valuable examining conditions।
तो ये तो हमने सिर्फ ये बताया कि ये रिलायबिलिटी की डेफिनेशन है. रिलायबिलिटी सेट कैसे करेंगे ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि टेस्ट रीटेस्ट और आपका स्प्लिट हाफ के लिए स्पीयरमैन राउंड प्रोफेसी फार्मूला है, क्रॉनबेक अल्फा है, कूडर रिचर्डसन फार्मूला है, बहुत सारे फार्मूले हैं. तो कौन सी आप तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं रिलायबिलिटी एस्टैब्लिश करने का, उससे आप अपने टेस्ट की अपने परीक्षण की विश्वसनीयता निर्धारित कर लेंगे. और फिर वैलिडिटी. वैलिडिटी क्या होती है कि इट इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच ए कंसेप्ट इज एक्यूरेटली मेजर्ड. ये परिभाषित किया जाता है उस तरीके से कि ये किस सीमा तक किसी कंसेप्ट को सही तरीके से नाप सकता है, वही वैलिडिटी है. या एक जो मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन इसकी चलती है कि व्हाइल अकॉर्डिंग टू रॉब्सन 2011 में इन्होंने कहा है वैलिडिटी ऑफ ए रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, एक जो हमारा परीक्षण का इंस्ट्रूमेंट है अनुसंधान का, वो किस सीमा तक एसेस द एक्सटेंट, किस सीमा तक टू विच द इंस्ट्रूमेंट, ताकि वो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है क्या चीज मेजर करता है, व्हाट इट इज डिजाइंड टू मेजर, जिसको नापने के लिए इसको बनाया गया है उसको किस सीमा तक मेजर कर सकता है, यही हमारी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की या टेस्ट की वैलिडिटी हो जाती है. ठीक, तो अगर हमने रिलायबिलिटी वैलिडिटी भी निकाली तो हमारा टेस्ट स्टैंडर्डाइज भी हो जाएगा. तो हम जब इसको थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं तो ये बहुत आसान टॉपिक है, इसमें आपको सिर्फ स्टेप्स बताने हैं, आपको करके नहीं दिखाना है. प्रैक्टिकली ये बहुत टफ हो जाता है, तो आपको एग्जामिनेशन में फिलहाल सिर्फ इसकी थ्योरी जाननी है. और थ्योरी इसकी बहुत आसान है कि पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर प्रिपरेशन करते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, फिर आइटम एनालिसिस करते हैं. आइटम एनालिसिस करने के बाद हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं जिसमें हम रिलायबिलिटी सेट करेंगे और वैलिडिटी सेट करेंगे. इतनी सी बात है. ठीक है, तो आप इसके स्टेप्स सही याद करिए. और सबसे बड़ी बात, सिर्फ स्टेप्स याद करके उसके अंदर गलत सलत लिखने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर भी सही लिखिए, तब तो आपका ये उत्तर इस तरीके का बनेगा कि आप उसमें नंबर सिक्योर कर पाएंगे. नहीं तो बच्चे अधिकतर क्या करते हैं कि स्टेप तो सही लिख देते हैं, उसके अंदर अपने मन की कहानी लिख देते हैं. ये करने की जरूरत नहीं, आप स्टेप्स लिखिए, स्मॉल स्टेप्स हैं, बस समझ जाइए तो कोई मुश्किल नहीं है. और फिर उस स्टेप्स के बारे में भी सही बात लिखिए, तो आपके इस प्रश्न का उत्तर आप लिख पाएंगे. ठीक है, चलो.